तो दोस्तों यहां पे आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ अपनी सेल्फी देनी है, तरह से सिर्फ सेल्फी, और आप यहां पे 25,000 का लोन ले सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ अपनी सेल्फी देनी है और आपको 25,000 का लोन मिल जाएगा। मतलब कि ओनली सेल्फी, मैं इसलिए कह रहा हूं, ना कोई आधार कार्ड देना है, ना कोई पैन कार्ड देना है, और ना ही आपको कोई इनकम प्रूफ देना है, कोई सिविल भी आपको नहीं देना है। आपको 25,000 का लोन मिलेगा सिर्फ सेल्फी देने के बेस पे, ओनली सेल्फी पे। लोन कैसे मिल जाएगा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं आपको डिटेल से सारी बात समझाऊंगा कि कैसे आपको सेल्फी पे लोन मिल जाएगा, सारी बात बताऊंगा, हर एक चीज क्लियर करूंगा, कुछ नया बताने वाला हूं। तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे लिंक क्या रहेगी @vinlb0। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसे भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके दिमाग में बात घूम रही होगी कि भाई सेल्फी पे लोन, ये तो पहली बार ही सुन रहे हैं, कुछ अलग हटके ही तुम आज बोल रहे हो। बिल्कुल, मैं आपको 5-6 ऐप्स के नाम बता दूंगा कि आपको जो सेल्फी पे लोन प्रोवाइड कर देंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इनकम देने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, फिर बताऊंगा कि कैसे आपको सेल्फी के बेस पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने फेसबुक को ओपन कर रखा है, आप भी ओपन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लोन ऐप है लोन नाउ प्रो, आप यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, एक भाई साहब यहाँ पे ऐड भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इस पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ से लोन ऐप को डाउनलोड करके आप लोन ले सकते हैं ओनली सेल्फी पे। ये तो पहली लोन ऐप है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, दूसरी ऐप आ गई होगो लोन करके, यहाँ से भी आप 25,000 का लोन, जैसा कि मैंने बोला ना 25,000 तक का लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओनली सेल्फी देनी है, आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा 25,000 का फ्री और अप्लाई, ठीक है। अब आगे चलिए तीसरी ऐप पे चलते हैं, फिर आती है लोन नाउ इन करके, यहाँ से भी आपको ओनली ओनली सेल्फी पे लोन मिल जाएगा 70,000 का, ये तीसरी ऐप हो गई। फिर आते हैं नीचे और फिर आपको देखिए कोई ना कोई और चौथी ऐप दिखाई दे जाएगी, रुपी ऐप करके है, देखिए यहाँ पे 50,000 का लोन दिखा रहा है, ये भी ओनली सेल्फी पे लोन प्रोवाइड कर देगी, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देना है। फिर यहाँ पे आखिरी ऐप और दिखा देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्पार्क करके है, जो आपको 10,000, 20,000, 31,000, 41,000 इस तरह का लोन प्रोवाइड कर देगी ओनली सेल्फी पे, ठीक है। अब इस तरह के आपको और भी नीचे ऐड दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि सेफ शॉप करके, यहाँ पे आपको देखिए लोन ऑफ मनी करके आपको 20,000 का लोन मिल जाएगा। आप यहां पे और नीचे आएंगे, आपको और सारे ऐड भी देखने को मिल जाएंगे, देखिए यहां पे, ठीक है। आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल वहां पे क्लिक करना है, देखिए कोई ना कोई आपको इस तरह से यहां पे कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, चाहे वो प्ले स्टोर से हो या कोई डायरेक्ट वेबसाइट खुल के आए। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी ये लोन ऐप्स है ये फर्जी है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब आप सोच रहे हो कि चलो मान लिया कि फर्जी है, तो सेल्फी के बेस पे लोन कैसे मिल जाएगा, वो उसमें भी तो आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना पड़ता है तभी लोन मिलता है यार। आप ये सोच रहे हो कि चाहे फर्जी लगाना पड़े, लेकिन लगाना पड़ता है, बिल्कुल सही सुनते हो। अब ये फर्जी ऐप केवल सेल्फी के बेस पे लोन कैसे दे रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे सब्सक्राइबर को सिर्फ सेल्फी दी और अकाउंट में पैसा आ गया, 3600 रुपए कुछ आ गया उनके अकाउंट में। उन्होंने ऐसे 2-3 ऐप में ट्राई किया, सिर्फ सेल्फी देनी पड़ी और उनके अकाउंट में करीब 10 से 12 हजार का लोन आ गया। तो यार मुझे भी अचंभा लगा, तो जब मैंने पता किया, दिमाग लड़ाया, तो एक चीज समझ में आती, पता क्या है, वो ये है कि अगर आपने धोखे से भी, मतलब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले, जाने में अनजाने में फर्जी लोन ऐप से लोन लिया, और आपका रियल डेटा जैसे कॉन्टेक्ट फोटोज अगर उनके पास चले गए, कंपनी के पास चले गए, जिसमें आपका आधार कार्ड भी होगा, बैंक इन्फॉर्मेशन भी होगी, सेल्फी भी होगी, सब कुछ उनके पास चला गया है, तो अगली बारी क्या होगा, जब आप किसी फर्जी लोन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो पहले का डाटा इनके पास चला गया है उसी के बेस पे ही आपको परेशान करेंगे कि भैया आपको हमने पैसा दे दिया है, लोन दे दिया है, आपके अकाउंट में पैसा फटाक से आ जाएगा। आप सोचोगे कि ये पैसा कहाँ से आ गया, आधार कार्ड पैन कार्ड तो मैंने लगाया नहीं, तो आधार कार्ड पैन कार्ड आपका जो रियल कॉन्टेक्ट लिस्ट है सब उनके पास पहले से ही है, आप जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करोगे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड पहले से ही लगा है, कॉन्टेक्ट भी पहले से ही है, और उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट के बेस पे आपको ये परेशान करेंगे, क्योंकि कुछ ही नंबर लोग चेंज करते हैं, नाम के सब लोगों के नंबर वही होते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर ठीक है आपकी हर बात मानी, लेकिन फिर भी आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं क्या है कि जब ऑलरेडी आप किसी फर्जी लोन ऐप को इंस्टॉल कर चुके हो, जब आपका डेटा पहले से मौजूद है, तो ये आपको बार बार आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड क्यों लेंगे। और रही बात सेल्फी की, तो अभी क्या हुआ हमारे सब्सक्राइबर के साथ, उन्होंने क्या किया, जैसी ऐप को इंस्टॉल किया, फर्जी ऐप को इंस्टॉल किया, तो वहां पे सिर्फ सेल्फी मांगी उनकी, कि हो सकता है कि उनके रिकॉर्ड में सारा डाटा हो, आपका आधार भी हो, पैन भी हो, आपका बैंक अकाउंट भी हो और कॉन्टेक्ट लिस्ट भी हो, सेल्फी ना हो, तो जो डेटा रह जाता है, जैसे कि उन्होंने आपका डेटा सारा का सारा पहले चुरा लिया,
ठीक है, जो रह जाता है मान लो कि सेल्फी आपने उस समय दी होगी वो उनके पास से डिलीट हो गई किसी भी तरह से कुछ हो गया, तो ओनली आपसे सेल्फी मांगेंगे, या बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो केवल बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे, जैसे बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे अकाउंट में पैसा जाएगा, या जैसे सेल्फी डाल दोगे अकाउंट में पैसा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर के संग सीन ये हुआ कि वो ऑलरेडी फर्जी लोन ऐप में लोन के लिए ट्राई कर चुके हैं, उनका पूरा का पूरा डेटा फर्जी लोन ऐप जो है उनके पास पहले से था, सिर्फ क्या नहीं था उनकी सेल्फी नहीं थी, पहले दी थी लेकिन वो रिमूव हो गई होगी, डिलीट हो गई होगी सिस्टम से, तो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए उन्होंने जो है सेल्फी का ही ऑप्शन दिया कि आप सेल्फी दीजिए आपका अकाउंट में पैसा आएगा। तो हमारे सब्सक्राइबर ने सिर्फ सेल्फी दिया और सेल्फी देने के बाद ये 3600 पहला अमाउंट आ गया अकाउंट में ही आया, तब ये दिमाग हमें लाया कि ऐसा भी होता है कि हमने पता किया कि भैया यहाँ पे अगर आपका कोई भी डेटा रह गया तो जैसे आप कभी कभी भी आगे फर्जी लोन ऐप को इंस्टॉल करोगे, चाहे आपका बैंक अकाउंट रह गया है या आपकी सेल्फी रह गई है या आपका आधार कार्ड पैन कार्ड रह गया है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, जो रह गई है केवल उतना ही आपसे मांगेंगे और आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। अभी तक का क्या था कि जैसे ही फर्जी लोन को इंस्टॉल किया केवल अकाउंट नंबर मांगा, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंट नंबर उनके पास होगा नहीं, रिमूव हो गया अकाउंट नंबर मांगा, बाकी डिटेल्स तो उनके पास है ही पहले से ही, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। अब यहाँ पे नया सीन आया कि भैया अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ अकेले सेल्फी नहीं थी, सेल्फी जैसी थी अकाउंट में पैसा आ गया। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर भी पहले से था, आधार कार्ड पैन कार्ड भी था, मोबाइल की जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है वो भी थी, इसे सेल्फी नहीं दी। तो हमारे सब्सक्राइबर ने जैसी सेल्फी दी ताजी ताजी अकाउंट में पैसा आ गया, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड तो पहले से लगा है तो उन्हें दोबारा मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए मैंने कहा ओनली सेल्फी के बेस पे लोन दे रही है ये 4 से 5 लोन ऐप, और 4 से 5 लोन ऐप कोई भी हो सकती है क्योंकि फर्जी ऐप में ही सारे कांड होते हैं, जो मैंने नाम आपको बताया जरूरी वही ऐप हो, कोई भी फर्जी ऐप हो सकती है। अगर उनके पास आपका मान लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, सेल्फी है, अकाउंट नंबर है, सब कुछ है, तो आपसे केवल आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेंगे, कोई भी बेसिक डिटेल नहीं भरवाएंगे, ना ही अकाउंट नंबर लेंगे, ना ही सेल्फी मांगेंगे, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड ही तो नहीं है ना, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड लगा दोगे तो आपको लोन मिल जाएगा। ये जो आप चीज बता रहा हूं कुछ हटके है, क्योंकि ये हटके चीज हुई है हमारे सब्सक्राइबर के साथ। तो यहाँ पे केवल सेल्फी देने पर अकाउंट में पैसा आ गया, ये चीज मुझे खुद अचंभित लगी, लेकिन जो रियलिटी है मैंने आपको बता दी है, जो चीज नहीं होती लोगों के पास वो जैसे आपको इंस्टॉल करोगे वही चीज आपसे मांगेंगे जो उनके पास नहीं है, जैसे आप दे दोगे अकाउंट में पैसा डाल देंगे, फिर आपको प्रताड़ित करेंगे कि भाई तुमने इतना लोन लिया है चुका दो, तुम्हारा अकाउंट इसको वायरल कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा, बाकी आप जानते ही हो कि जो प्रताड़ित करने का तरीका उनका होता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोन लेना चाहते हो फर्जी ऐप से तो आप भी केवल सेल्फी देके लोन ले सकते हो। अगर आपने पहले कभी फर्जी लोन ऐप से लोन लिया है, आपका रियल डेटा उनके पास चला गया, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि ओनली सेल्फी तो अकाउंट में पैसा आ जाए। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आपको हर काम शुरू से करने पड़ेंगे, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, आधार भी दो, पैन भी दो, अकाउंट नंबर भी दो, सेल्फी दो, अपने मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट दो, सब कुछ दो, सब कुछ सही रहता है तो आपको यहाँ से भी पैसा मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो, इनको लूट सकते हो ओनली सेल्फी के बेस पे। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ सकते हो, अगर आप न्यू हैं तो आप सारे काम नए तरीके से करिए, आप भी इनसे पैसा 25,000-30,000 का निकाल सकते हो, इन्हें लूट सकते हो। तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, उम्मीद आप पूरी बात समझ गए होंगे ओनली सेल्फी के बेस पे कैसे लोन मिलेगा। तो आप यहां से ट्राई कर सकते हैं, फेसबुक पे जाइए, बहुत सारी फर्जी ऐप आपको मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नए वीडियो किसी नए चीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।